दोस्त, आज हम कंज्यूमर सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में देखेंगे जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे। दोस्त, इस कंपनी का नाम है बीकेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, बीकेवी इंडस्ट्रीज़ ये कंपनी मेनली एक्वाकल्चर का बिजनेस करते हैं इंडिया और अब्रॉड में। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 12 करोड़ है और स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 7.75 रुपीज़ है और स्टॉक का प्राइस टारगेट 15.4 रुपीज़ है और ये स्टॉक 70.4 के पी में ट्रेड कर रही है। दोस्तों, बीकेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी मेनली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रॉन्स इंडिया और अब्रॉड में। दोस्तों, इस कंपनी का लीज एक्वा फार्म है। कंपनी मेनली एक्वा फार्मिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग श्रिम्प्स ये सब करते हैं। कंपनी ऑफर करते हैं टाइगर एंड वाइट श्रिम्प्स। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेस्ट क्वालिटी श्रिम्प फीड, मेडिसिन, प्रोबायोटिक्स ये सब। कंपनी के लगभग 66 पीई लाइन पॉन्ड्स है और अप्रॉक्सीमेटली 180 अर्दन पॉन्ड्स है। कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं बेस्ट क्वालिटी श्रिम्प्स यूरोप, चाइना, यूएई, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और साउथ कोरिया में। दोस्तों, बीकेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी 1993 में गुंटूर में इस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों, अभी हम कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी की सेल्स 43.2 करोड़ से बढ़कर 184.7 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट 72.4 करोड़ से बढ़कर 183.5 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का ईपीएस 4.2 से बढ़कर 7.3 हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का टोटल एसेट 145.3 करोड़ से बढ़कर 653.2 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। दोस्तों, आप कंपनी के शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं, प्रोमोटर्स ने 70.01% होल्ड किए शेयर्स और पब्लिक ने 29.56% होल्ड किए शेयर्स और डीआई 0.43% है। दोस्तों, ये कंपनी नेशनल इकोनॉमी के सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। कंपनी करेंटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके सभी प्रोडक्ट। कंपनी इंक्रीज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वैल्यू ताकि उनके शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। कंपनी उनके कस्टमर के सारे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दोस्तों, हमें लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा।